गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कुंजन मोदी फ्रॉम नाहर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ ई बिजनेस। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, वो टॉपिक है ई बिजनेस। आज हम लोग जानेंगे ई बिजनेस का मीनिंग और उसके बेनिफिट्स। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और ई बिजनेस इज अ टर्म विच कैन बी यूज फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन दैट इंक्लूड्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या ई बिजनेस क्या होता है? ये एक तरीके का मतलब क्या होता है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है, मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जो पैसों के लिए की जाती है, मतलब कि प्रॉफिट कमाने के लिए। हम सभी को अच्छे से बताया कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। अब इसमें हम लोग कैसे कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इंटरनेट के थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करके, जैसे हम लोगों की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जिनसे हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीद सकते हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो बिजनेस होता है उसे ऑनलाइन बिजनेस करना जस्ट लाइक हमारा ई बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहलाता है। इसमें हम ICT टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिससे हमारे बिजनेस में हर एक इंडिविजुअल अपना क्या है, काम अच्छे से कर पाता है। एक इंडिविजुअल भी पूरे बिजनेस को हैंडल कर पाता है इन ऑल ओवर द कंट्री, ना सिर्फ खाली हम यहाँ पर बल्कि यहाँ से बाहर भी हम इसे ग्लोबल मार्केट के तौर पर उस बिजनेस को कर सकते हैं। तो चलिए इसके बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, फर्स्ट वन है प्राइस। प्राइस गुड्स बॉट ऑनलाइन ट्रेंड टू बी चीपर। अगर हम बात करें प्राइजेस की तो क्या होता है, इसके अंदर हमारे प्राइजेस हमें सस्ते मिलते हैं, हमें सस्ता सामान मिल जाता है, राइट। सेकंड चॉइस, हमारे पास में बहुत सारी चॉइस अवेलेबल होती है जैसे डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइजेस एंड अदर थिंग्स। 24 आवर्स अवेलेबल, द शॉप नेवर क्लोजेस। इसके अंदर कभी भी दुकान बंद नहीं होती, हम कभी भी इसके अंदर शॉपिंग कर सकते हैं, ये हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल होता है। जबकि अगर मैं नॉर्मल बिजनेस की बात करूँ तो उसका टाइमिंग फिक्स है, जैसे आपको 10 आवर्स या 12 आवर्स के अंदर ही वो शॉप ओपन मिलेगी। लेस पेपर वर्क ऑलवेज अ गुड थिंग, इसके अंदर हमें बहुत सारा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता जैसे अकाउंट्स मेंटेन करना एंड अदर थिंग्स, तो इसमें हमें वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती है। ग्लोबल मार्केट, Neither you nor the vendor are restricted to your their locality. Global market से मतलब है इसका market बहुत बड़ा होता है, बहुत फैला हुआ है इसका market, जिसकी वजह से क्या है कि हम सिर्फ यहाँ पर बैठ के पूरे इंडिया में हम इससे क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। मैं भी स्टूडेंट्स आपको ई बिजनेस का मीनिंग और उसके बेनिफिट्स अच्छे से क्लियरिफाई हुए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।